बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से जहाँ कहीं भी हैं आप खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है काम का पहला दिन, नॉर्मल टू बैक तो सारा दिन है। बस काम तो नहीं इतना बिजी था, लेकिन मैं ही बिजी रहा, क्योंकि जो ये आपके कमेंट देखते हैं कि उनको रिप्लाई करना, जब भी ये कस्टमर नहीं होता था साथ तो फिर जो वीकेंड पे आपकी वीडियो देखने वाली रह गई थी, वो दोस्तों की कुछ देखी, उनको कमेंट किए, अपने का रिप्लाई किया, इस तरह करके सारा दिन बिजी बिजी गुजर गया। तो अभी वापस शाम को घर जा रहा था तो एक टायर फ्लैट हो गया। मैं चलो 6 बजे छुट्टी की, लेकिन वो टायर फ्लैट हो गया तो, लेकिन हुआ ये सुबह का फ्लैट हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा था क्योंकि टायर जो था ये रन फ्लैट था, तो पंचर के साथ भी चल सकती थी गाड़ी, वो चलती रही, लेकिन वो शुर करता था, आवाज़ सी एक आती थी उससे। तो मैंने सोचा कि ज़रूर इसको कुछ मामला है, तो फिर दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये पंचर हो गया, तो पंचर लगवाया। फिर अभी निकला हूँ घर की तरफ, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे 2-3 मिनट की जो भी लाग भी कर लेते हैं, गपशप भी हो जाए और एक्टिविटी भी पूरी हो जाए। ये भी एक जैसे कहते हैं कि छठा फर्ज ही हो गया, अल्लाह माफ़ करे। तो ये 2 दिन पहले जो मैं वीडियो लगाई थी वो भी इसी वजह से एक लगाई कि जो कोई भी कंटेंट डाल रहा है ना वीडियो पे, रेसिपी है या व्लॉग है, वो यकीन मानिए कि मैं समझता हूँ कि वो मुश्किल ही है, आसानी से तो कोई नहीं, ये टाइम लगता है इस पर सारा कुछ। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग कर रहे हैं मैं तो उनकी बहादुरी समझता हूँ, क्योंकि उधर इंटरनेट का जो आप पैकेज डेटा लेते हैं वो भी काफ़ी पैसे दे के महंगा मिलता है, उसके भी वो पैसे बेचारे दे रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जितने भी ये यूट्यूबर है पाकिस्तान में जो रेसिपियाँ बनाते हैं, वो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि रेसिपी वो बनाएं जो आप अपने घर में सादा सी इस्तेमाल करते हैं, और बिल्कुल ज़्यादा अखराजात खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आप चीज़ें इस्तेमाल रोज़ाना, आप हांडी बनाते हैं या कोई भी सेवियाँ या चावल या कोई भी रेसिपी बनाते हैं, जो आपकी ज़रूरत के वही बनाइए, तो वही हम लाइक करेंगे इंशाल्लाह आपकी वीडियो। तो माशाल्लाह, जैसा कि मैं पहले भी बताया कि बहुत खूबसूरत लोग काम कर रहे हैं, तो हम तो सीख रहे हैं। तो दूसरा, इसमें लफ्ज़ों में कमेंट में जितने भी खूबसूरत वापसी जवाब दे सकूं वो भी इतना नहीं, जो बन अच्छा नहीं कर सकता बंदा, जितना के लफ्ज़ में बंदा इस तरह बोल के बयान कर सकता। जो कि मैंने कल एक गुड़ वाले चावल बना के रेसिपी का नाम लोगों ने दे दिया, वो कह रहे थे कि क्या है रेसिपी नहीं है, तो क्या ये है क्या? आपकी बात सही है, रेसिपी है, लेकिन स्टाइल अपना अपना होता है। तो मैंने कुक की, आपका बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने उसको लाइक किया तो मेरी हौसला अफजाई की। मैं डरता रहता था कि ये ना हो कि उसमें कुछ फॉल्ट निकालें, ये कहें ये नहीं डाला, ये नहीं डालना, ये ऐसे करना था, वो ऐसे करना था, लेकिन मैं अपना स्टाइल समझता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग इस पे रेसिपियाँ डालते हैं या वही लोग करते हैं, वो स्टाइल है उनके, वो और वो खूबसूरत है। तो आज की वीडियो, मैं समझता हूँ कि वीडियो छोटी रखनी चाहिए, ये आपको बोर ना करूँ। तो इंशाल्लाह जो है वो एक नई वीडियो में मुलाकात होगी कल फिर। तो अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसे एंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।